आपसे इतनी बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि अब स्टार्ट करना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को मैं और क्या बोल सकता हूँ, गाइनोसियम, जिस तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन को हमने बोला था एंड्रोसियम और यूनिट ऑफ एंड्रोसियम को हमने बोला था स्टैमेन, इसी तरीके से यूनिट ऑफ गाइनोसियम को मैं बोल रहा हूँ पिस्टिल और कॉर्पल। स्टैमेन में हमने पढ़ा था कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, फिलामेंट और एंथर, लेकिन पिस्टिल में हम लोग पढ़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल और कॉर्पल की, लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे जिसमें गाइनोसियम में सिंगल कॉर्पल प्रेजेंट होगा, गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉर्पल। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें गाइनोसियम में एक ही कॉर्पल प्रेजेंट है, तो एक कंडीशन मैंने आपको बताया कि सिंगल कॉर्पल प्रेजेंट होगी, तो सिंगल या वन के लिए यहाँ पे मैं टर्म लिख रहा हूँ मोनो, और कॉर्पल्स की बात अगर कर रहा हूं तो कंडीशन को मैं बोल रहा हूं मोनो कॉर्पलरी कंडीशन। और ऐसा देखने को मिलेगा हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट में जिसको मैं बोल रहा हूँ पी, यानी मटर के पौधे में। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, देर आर सो मैनी प्लांट्स इन विच गाइनोसियम मे हैव मोर देन वन कॉर्पल, मोर देन वन कॉर्पल्स, और मोर देन वन यानी मैनी कॉर्पल, तो मैनी के लिए यहां पे मैं टर्म लिख रहा हूं मल्टी, और कंडीशन को मैं बोल रहा हूं मल्टी कॉर्पलरी कंडीशन। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई इन विच गाइनोसियम मे हैव मोर देन वन कॉर्पल। तो जैसे आप ये समझ सकते हैं कि पांच कॉर्पल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि पांचों के पांचों फ्री हों, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि सारे के सारे पांचों के पांचों क्या हों, आपस में फ्यूज्ड हों। तो दोनों ही मल्टी कॉर्पलरी है। एक में हमने बताया कि जो कॉर्पल्स हैं क्या हों, फ्री हों, तो फ्री के लिए यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं एपो, और कंडीशन को बोल रहे हैं एपो कॉर्पस, और एपोकार्पस कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम हमको याद रखने जो एनसीईआरटी में गिवन है, रोज, माइकेलिया एंड लोटस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्लांट्स से एग्जांपल हमको याद रखने हैं एपोकार्पस में, यानी कि एपोकार्पस में जो कॉर्पल्स हैं दे आर फ्री। और दूसरी कंडीशन जिसमें सारे के सारे कॉर्पल्स क्या हो सकते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं, तो फ्यूजन के लिए यहाँ पे मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सिम, और कंडीशन को मैं बोल रहा हूँ सिम कार्पस कंडीशन। तो सिम कार्पस में कार्पल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, और ऐसा देखने को मिलेगा हमको हिबिस्कस में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट का नाम हमको याद रखना है, दैट इज पेपेवस ओमनीफेरम, और ये प्लांट हम दोबारा से पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, लेकिन सिर्फ अभी हमको नाम याद रखना है। तो हमने आपको बताया कि कॉर्पल एक होगी गाइनोसियम में, तो कंडीशन को मोनोकॉर्पलरी बोलेंगे पी प्लांट में देखने को मिलेगा, कॉर्पल बहुत सारे होंगे गाइनोसियम में तो कंडीशन को मल्टीकॉर्पलरी बोलेंगे, दो कंडीशन होगी अगर सारे कॉर्पल्स फ्री होंगे तो एपोकार्पस इन तीनों प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, और अगर कॉर्पल्स फ्यूज्ड हैं तो सिम कार्पस देखने को मिलेगा हमको हिबिस्कस और पेपेवर में। एक बात छोटी सी हमको पता है पहले से फर्स्ट चैप्टर में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट्स में। तो अगर हम बात कर रहे हैं एपोकार्पस कंडीशन की, तो एपोकार्पस में सारे के सारे कॉर्पल्स क्या हैं, फ्री हैं। कॉर्पल का तीसरा पार्ट कौन सा है, अभी हमने देखा ओवरी, तो कॉर्पल्स अगर फ्री हैं तो ओवरी भी फ्री होगी, और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे प्लांट्स में जो फ्रूट है उसमें छोटे 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 पार्ट्स होंगे, यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्रूट का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा। तो जिन प्लांट्स में मल्टी कार्पलरी कंडीशन है और एपोकार्पस कंडीशन है,
एपोकार्पस में कॉर्पल्स फ्री हैं तो ओवरी भी फ्री होगी, तो ऐसी ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। और ये जो एग्रीगेट फ्रूट है ये इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एडिबल पार्ट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, छोटा होगा। और ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। छोटी छोटी बहुत सारी ओवरीज होंगी और सारी ओवरीज फ्री होंगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट्स होंगे। और उसमें एडिबल कंटेंट क्या होगा, कम होगा। खाने के लिए जो उसमें जो एडिबल पार्ट होगा वो कम होगा, यानी कह सकते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होगी। तो ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिनकार्पस कंडीशन की, तो सिनकार्पस कंडीशन में ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलेंगे सिंपल फ्रूट, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल फ्रूट। और ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी एडवांस्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि अगर कॉर्पल्स फ्यूज्ड हैं तो ओवरी भी फ्यूज्ड होगी, यानी छोटी छोटी कॉर्पल्स या ओवरीज फ्यूज होकर के एक बड़ी सी ओवरी बनाएंगे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो एक बड़ा सा फ्रूट बनेगा, साइज में बड़ा होगा, लार्ज होगा, यानी कि एडिबल कंटेंट जो है, एडिबल पार्ट जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यानी जो एक सिंगल फ्रूट के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, कई सारे ओवरी से डेवलप हुआ फ्रूट, उसमें एडिबल पार्ट क्या है, ज्यादा है। और ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल फ्रूट। और ऐसे फ्रूट या ऐसी कंडीशन हमको एडवांस्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन इस डायरेक्शन में हुआ होगा, एग्रीगेट फ्रूट से सिंपल फ्रूट्स में। यानी हम कह सकते हैं कि एपोकार्पस प्रिमिटिव कंडीशन है और सिनकार्पस जो है वो एडवांस्ड या डेवलप्ड कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इवोल्यूशनरी ऑस्पेक्ट से हमको समझ में आ चुका है, या फिर ये हमें समझ जाना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई कि मोनोकार्पलरी कब बोलेंगे, मल्टीकार्पलरी कब बोलेंगे, एपोकार्पस कब बोलेंगे और सिनकार्पस कब बोलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कॉर्पल की, तो स्ट्रक्चर में इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसको मैं एक एनालॉगी देता हूं इसको समझाने के लिए आपको, जैसे हमने एंथर के लिए एक एनालॉगी दी थी आपको, उसी तरीके से ये जो कॉर्पल है इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे घर में फ्लोरल या फ्लावर पॉट रखा होता है, घर के किसी एक कोने में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके घर में रखा हुआ होगा, ऐसा कुछ इस तरीके से दिखने वाला। और इसमें बहुत सारे इस तरीके से आप फ्लावर्स रख देते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग पत्तियों का साइज या फ्लावर का साइज, घर के किसी एक कोने में पड़ा रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल पॉट। तो इसी तरीके से होता है हमारा कॉर्पल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो कॉर्पल में भी तीन पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो 1, 2, 3 इस चीज को हम ड्रॉ करें थोड़ा सा और टेक्निकल। तो हमने आपसे कहा कि एक ये वाला पार्ट हो गया ऊपर, ब्रॉड पोर्शन, ये जो ब्रॉड पोर्शन है इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ऊपर से हम देखेंगे तो ऐसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। अगर हम लेटरल व्यू देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो प्लेट है इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, यानी परफोरेशन प्रेजेंट होंगे। तो ये जो अपर मोस्ट ब्रॉड परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैं बोल रहा हूं स्टिग्मा। और ये जो स्टिग्मा है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द पॉलन ग्रेन्स। द मीन इज दैट दिस इज द प्लेस वेयर पॉलन ग्रेन विल लैंड एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ये पॉलन ग्रेन्स मान लो डाइसेंस पर रिलीज हुए हैं एंथर के, तो ये डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू यहां पे आकर के लैंड करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। और अगर ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया है ये सेम स्पीसीज का है, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स बनना स्टार्ट करेंगी,
और ये पॉलन ट्यूब्स जो हैं वो इस तरीके की एक सिलेंड्रिकल ऑलमोस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पेनिट्रेट करके पास होती है, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ स्टाइल। ये स्टाइल जो है कुछ प्लांट्स में हॉलो हो सकती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये सॉलिड भी हो सकती है। अगर सॉलिड होगी ये तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, और इस टिश्यू को हम लोग बोलेंगे इंटर मीटिंग टिश्यू, इसको हमने बोला इंटरमीटिंग टिश्यू। और ये जो स्टाइल है इसके नीचे या कह सकते हैं यहाँ पे बेसल स्वेलिंग बल्ज पार्ट जो है पर्पल का, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ओवरी, इसको मैं बोल रहा हूँ ओवरी। ये वाला जो स्वेलिंग पार्ट है, ये जो बेस है बल्ज पोर्शन है, इसको मैं बोल रहा हूँ ओवरी। यहाँ पे नीचे कहीं पे प्रेजेंट होगा ये वाला स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो थैलमस, तो थैलमस के टॉप मोस्ट नोड पे हमने बताया था कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी तीन पार्ट होंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टल या कॉर्पल बोलेंगे। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि थैलमस होगा, थैलमस के टॉप मोस्ट नोड पे फोर्थ नोड पे ये पार्ट प्रेजेंट होगा जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी तीन डिफरेंशिएबल पार्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पिस्टल या कॉर्पल, या इसी को मेगा स्पोरोफिल्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में हमको तीन चार नाम नहीं याद रखते हैं, एक ही नाम एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज पिस्टल, एक और इंपॉर्टेंट नाम हमने आपको बताया दैट इज कॉर्पल, दो कम से कम हमको याद रखना है। और ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, जैसे कि आपका ये फ्लोरल या फ्लावर पॉट जो था, यहाँ पे ये बेसल पार्ट जो था इसके अंदर कैविटी थी, इसी तरीके से इस ओवरी के अंदर भी कैविटी प्रेजेंट होगी, यानी कि यहाँ पे इस ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, ये वाली कैविटी, और इस कैविटी को मैं बोल रहा हूं ओवरी की कैविटी है, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली ओवेरियन कैविटी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवेरियन लॉक्यूल। तो हमने आपको बोला कि ये जो कैविटी है इसको हमने बोला ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लॉक्यूल। ये कैविटी सिंगल कैविटी या चैम्बर के फॉर्म में हो सकती है, या फिर यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑब्लिक सेप्टम प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि चैम्बर, कई सारे चैम्बर बन सकते हैं ओवरी के अंदर। तो लॉक्यूल एक चैम्बर की हो सकती है, मल्टी चैम्बर की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो एक होगी तो यूनिलॉक्यूलर कंडीशन, दो होगी तो बाईलॉक्यूलर, तीन होगी तो ट्राईलॉक्यूलर, सो एंड सो फोर्थ, यानी मल्टीलॉक्यूलर तक होगी ये। तो ये हमको डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना, ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में इसको पढ़ चुके हैं। तो ओवरी के अंदर की जो कैविटी है, खाली जगह जो थी, इसके अंदर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल, और इसी ओव्यूल को एक और नाम से जानेंगे हम लोग, दैट इज मेगा स्पोरेंजियम, या फिर जब डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो मैं आपको बताऊंगा कि ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। तो हमने आपको बताया कि इस ओवरियन लॉक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम, या फिर मेगा स्पोरेंजियम को ही क्या बोलेंगे, ओव्यूल को ही क्या बोलेंगे, इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। और ये जो ओव्यूल है टू द वॉल ऑफ ओवरी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से अटैच होगा, और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो 11th क्लास में भी हमने इसको आपको बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे इन द ओवरियन लॉक्यूल और ओवरियन कैविटी, और ओव्यूल्स जो हैं ये अटैच होंगे टू द वॉल ऑफ ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, so that the arrangement of ovule within the ovary is known as placentation। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, placentation बोलते हैं। पांच अलग अलग तरीके का placentation हमने पढ़ा था, marginal, exile, parietal, precentral, basal, तो भूल गए होंगे आप लोग, हमें पता है, लेकिन कम से कम हमको ये याद रखना चाहिए कि ovule जो है ये ovarian locule के अंदर present होगा, और ovule attached होगा to the wall of ovary with the help of placenta, एंड द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटेशन।
11th क्लास में इसको डिटेल में हमने पढ़ा था, यहाँ पे नहीं बात कर रहे डिटेल में। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल एक ओवरी के अंदर एक हो सकता है, ऐसा देखने को मिलेगा हमको वीट में, पैडी में और मैंगो में, या फिर एक ओवरी के अंदर मोर देन वन और मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलेगी कहाँ पे, पपाया में, मेलन या कह सकते हैं वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। तो हमने आपको बताया कि ओवरी के अंदर ओव्यूल एक हो सकते हैं वीट, पैडी और मैंगो में, ओवरी के अंदर ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं पपाया, मेलन और ऑर्किड में। ये छह एग्जांपल वीट, पैडी, मैंगो, इसको हम याद रख सकते हैं वाइट पैड मैन से, वीट मतलब वाइट, पैडी मतलब पैड, मैन मतलब मैंगो। तो वाइट पैड मैन, पैडमैन आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाइट शर्ट में दिखाई देता, तो हम ये कह सकते हैं वाइट पैड मैन, वीट पैडी मैंगो, और इसको याद रख सकते हैं PMO से, PM ऑफिस। तो पपाया, मेलन और ऑर्किड, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक हमें नहीं याद रखनी, अभी इनिशियली हम ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, लेकिन बाद में हम इसको जनरलाइज कर देंगे। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमको ये समझना बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा कि ऐसे फ्रूट जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते होंगे, जैसे पपाया हो गया, मेलन हो गया, ऑर्किड्स हो गए, इसमें ओवरी के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन बहुत सारे ओव्यूल्स होते होंगे। सिंपल, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कठिन है या टफ है। तो अभी हम सिर्फ इसको याद कर सकते हैं वीट, पैडी, मैंगो, वाइट पैडमैन से, पीएमओ, पपाया, मेलन और ऑर्किड से, बाद में इसको हम जनरलाइज कर लेंगे। तो ये इतनी सी बात हमको समझ में आ गई कि ओव्यूल एक भी हो सकता है ओवरी के अंदर और बहुत सारे भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं एम्ब्रायो सैक, और ये जो एम्ब्रायो सैक है इसको मैं बोल रहा हूं फीमेल गैमेटोफाइट, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर देखेंगे हम लोग फीमेल गैमेट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट को मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनते हैं, इसी तरीके से हम कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक को, यानी कि मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को बोलेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो सैक को। तो फिर वही बात आ गई, गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे गैमेट्स, गैमेटोफाइट्स के अंदर बनेंगे गैमेट्स, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स दो, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक के अंदर फीमेल गैमेट बनेगी एक, जिसको हम लोग बाद में समझ पाएंगे कि इसी को बोलते हैं एग सेल। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक, जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और इसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। तो एक बार बहुत तेजी से मैं रिकैप करा रहा हूँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन को गायनोसियम बोलेंगे, यूनिट ऑफ गायनोसियम को पिस्टल या कॉर्पल बोलेंगे, एक गायनोसियम में एक कॉर्पल होगी मोनोकॉर्पलरी कंडीशन बोलेंगे पी प्लांट में, एक गायनोसियम के अंदर बहुत सारे होंगे मल्टी कॉर्पलरी कंडीशन बोलेंगे, अगर फ्री होंगे तो एकोकार्पस, रोज, माइकेलिया, लोटस में, और ऐसे फ्रूट, ऐसे प्लांट में जो फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट, और ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये एपोकार्पस जो है ये सिमकार्पस में इवॉल्व हो गया, और ऐसे प्लांट में जो ओवरी हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होंगी, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग सिंपल फ्रूट बोलेंगे, कंपैरेटिवली लार्ज फ्रूट होगा, और ये एडवांस्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमको देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें सारे के सारे ओवरी या कह सकते हैं कॉर्पल्स आपस में फ्यूज होंगे, कंडीशन को बोलेंगे सिम कॉर्पस, और ये हिबिस्कस और पेपेवर या पेपेवर सेमिनिफेरम प्लांट में हमको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पल और पिस्टल की, तो हमने आपको बताया कि तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एक पार्ट ये हो गया जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो रिसेप्टिव सर्फेस या लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है,
ये परफोरेटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा। ये एक्ट करेगा एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ट्यूब से कह सकते हैं, या हॉलो होगा, सॉलिड भी हो सकता है, इसको हम बोल रहे हैं स्टाइल। और अगर सॉलिड होगा तो यहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे इनको हम बोलेंगे इंटरमिटिंग टिश्यू। और ये जो लोअर मोस्ट बल्ब स्वेलिंग पार्ट ऑफ कॉर्पल है इसको मैं बोल रहा हूँ ओवरी, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो कैविटी है इसको मैं बोल रहा हूँ ओवरियन कैविटी या ओवरियन लॉक्यूल। और इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला ओव्यूल। ओव्यूल को ही हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम को ही बोलेंगे इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और फिर हमने आपको बताया कि ओव्यूल ओवरियन कैविटी या ओवरी के अंदर एक सिंगल हो सकता है जैसे कि वीट पैडी मैंगो में, और बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि पपाया मेलन या वाटर मेलन और ऑर्किड। और ये जो ओव्यूल है टू द वॉल ऑफ ओवरी जुड़े हुए होंगे प्लेसेंटा से, इस वजह से ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एम्ब्रायो सैक। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे एम्ब्रायो सैक, और इसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। यानी कि हम लोग जब डिटेल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कहीं पे बनेगी फीमेल गैमेट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एग सेल। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आखिरी बार आपको, कि गैमेटोफाइट और गैमेट एक ही नहीं होते। गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं गैमेट्स, जैसे कि फीमेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे एम्ब्रायो सैक, इसके अंदर एक फीमेल गैमेट बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे एग सेल। मेल गैमेटोफाइट को बोलेंगे पॉलन और पॉलन ग्रेन, इसके अंदर बनेंगे दो मेल गैमेट्स, इसके अंदर बनेंगे दो मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है। एंड व्हेन वी विल कम बैक वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओव्यूल इन सम डिटेल, यानी कि हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे ओव्यूल के बारे में या फिर मेगा स्पोरेंजियम के बारे में।